हेलो दोस्तों, वेलकम आप लोग को हमारे न्यू ब्लॉग में। जो पिछले बार दिखाए थे हमने गुरपा पहाड़, अब नया जो है आज ले चलते फिर उसी एक पहाड़ पे जो कि प्रयाग वदी है। हम हैं और हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, यानी कि कुछ नहीं दो ही हैं, हम निशान एक और हमारा वाल्मीकि है और हमारे पीछे सॉरी जिससे हम आए हैं, तो चलते हैं। घूमने के लिए आए हैं उस जगह का नाम हमारे पीछे है, बोर्डों पे लिखा हुआ, लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे वो पहाड़ है और कुछ इस तरह का नज़ारा है। भाई साहब फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं उस जगह पे, तो पीछे का नज़ारा कुछ अलग ही है। ये पीछे का नज़ारा और ये रहा नीचे जाने का रास्ता, लेकिन हम सब ने बाइक ऊपर चढ़ा दिया। हम लोग ने सब यहाँ पे बाइक खड़ा कर रखा है, तो भैया चलते हैं ऊपर। और ये ऊपर जाने का जगह, इसी रास्ता से ऊपर जाना है और कुछ इस तरह का नज़ारा ऊपर का, और इस टाइप से दिखता है ये पहाड़, तो चलते हैं ऊपर। ये देखिए बजरंगबली को काफ़ी अलग मूड में है बैठे। ये लोग यहाँ पे भाई साहब फोटो शूट कर रहे हैं, तो भाई साहब अब ऊपर चढ़ रहे हैं। जैसे आप सबने पीछे देखा बंदरों को, यानी कि हनुमान जी को, तो चलते हैं ऊपर। फाइनली हम सब पहुंच चुके हैं। तुमको एक ठोल अगर बत्ती जलाना चाहिए। किस लिए भाई? तुम आया टूरिस्टर बन के? टूरिस्टर का हम घूमने के लिए आए ना, घूमने के लिए। ये रहा परिवार, ये प्रवेश द्वार, अंदर चलते हैं। अरे बाप रे बाप, काफी सबसे ऊपर आने का कुछ इस तरह का नज़ारा है। और सेफ्टी देखिए, चलते हैं।
पीछे का कुछ इस तरह का नज़ारा है। और अभी भाई साहब अभी सब जगह बंद है, मतलब कि ये सब पीछे सेफ्टी के लिए देख रहे हो कितना अच्छा जुगाड़ है। तो कोरोना के आने से वजह से यहाँ भी कोई भी टूरिस्ट लोग नहीं, कोई फॉरेनर लोग नहीं दिखेंगे, यहाँ के लोकल लोग ही अभी यहाँ हैं, जो कि काफ़ी भीड़ है। लेकिन कुछ इस तरह का हमारे पीछे नज़ारा है, दिखाते हैं। एनर्जेटिक फ्लैग इसको बोलता है भाई, हर जगह ये वाला बांधल रहेगा। कितना दूर है वहाँ पे? गुफा है, गुफा यार। अरे बाप रे बाप, तो फाइनली हम लोग सबसे ऊपर टॉप, मतलब टॉप पे नहीं कर सकते, यानी कि इस जगह घूमने का जगह पे सबसे ऊपर में आए। यहाँ पे एक छोटा सा गुफा है, उसके अंदर चलते हैं। और ये हमारे पीछे कुछ लोग पैसा चिपका रहे हैं, ये देखिए चिपका दिलशान, देखो हाँ चिपका है, वाह काफ़ी टैलेंट है। तो ये है वो गुफा, भैया लाइट ऑन कर रही है पे। काफ़ी अंधार है, लाइट ऑन करने से पता चल रहा है। और ये हमारे बुद्ध भगवान का एक अंदर इसी गुफा में है। और यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा है, बुद्धिस्ट डोनेशन जी। और यही वो पहाड़ है, काफ़ी अंधार है। और एक छोटा सा इसके एंट्री के लिए गेट है, अंदर काफ़ी स्पेस है। तुम्हारे अंदर खोट है बाबू। अरे चिपका दिया यार, चिपका दिया। पतपुरिया मोहित जीत गए हैं। चिपका दिया तू, बोले मेरे दिल के ताऊ मेरे चिपकेगा, देर रहता लेकिन देर नहीं, समझा? सारे जगह घूमने के बाद ऊपर से इस तरह का नजारा है, पीछे का कुछ इस तरह नजारा। ऊपर ये पहाड़ कुछ इस तरह दिखता है। तो हम डिलीट करते हैं पहले। सबसे ऊपर में आज अब यहाँ पे दो से तीन फॉरेनर लोग आए, मुझे लगा कि नहीं आते, लेकिन आते हैं यार विदेशी लोग। दिखाते हैं जो आए हैं वो लोग उनको। भाई साहब, एक माँ अपने बच्चों को कितना प्यार से पालती है, आज वो देखने को भी मिल रहा है। ये देखिए, जो कोई बोल नहीं सकता है, ये देखिए कितने प्यार से अपने बच्चा को अपने पास रखी है, डर भी लगता है। और कुछ इस तरह का नज़ारा है, ये देखिए फॉरेनर अपने भाषा में क्या बोल रहे हैं, कुछ अपने लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। देखिए इनका भाषा समझ नहीं आ रहा है। हम लोग को लगा था कि भीड़ नहीं होगा, लेकिन भाई साहब भीड़ की तो बात, टेंशन लगा लेकिन गाड़ियाँ कोई नहीं, इतना लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ काफ़ी है। ये हमारे फॉरेनर दीदी, फॉरेन भैया। पता नहीं कौन से लैंग्वेज ये लोग सुनते भी हैं, पता नहीं चल पाता है। और ये पीछे का व्यू कितने जो है, दिलशान तक बिस्किट लाया। और ये देखिए, वाह दिलशान, तो वाह गजब, मेहनत करेगा। इनको दो, इसको 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 दो, ये दिलशांत है, गोदी ले लो गोदी। बिस्किट लेके जाते हुए दे दो दे दो, अपने परवा कहाँ कर रहा है।
देखो कितना सारा आया। ऊपरे 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 देखो, ये देखो, ये दोनों का पेट भर चुका है तो पंगाबाजी शुरू है। फाइनली अब यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। चलो मेरे भाई, अब कुछ नहीं, यहाँ चलो नीचे, चला जा, चलिए नीचे चल के मिलते हैं, चलते हैं पहाड़ पे। हमारा दोस्त लोग जा चुका है, हम लोग इधर जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। मिलते हैं ऊपर चढ़ने के बाद पहाड़ पे, सबसे ऊपर, उसके बाद क्योंकि पता चला वीडियो बनाने के चक्कर में नीचे तो वीडियो तो शूट हो जाएगा लेकिन फिर वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। क्या दिल शांत भाई, रास्ता नहीं कुछ इस तरह जा रहे हैं, वहाँ पे जाना, चलिए ऊपर मिलते हैं। पीछे का कुछ इस तरह नज़ारा है भाई, देख रहे हो, छोटा 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 सोच रहे हो, लेकिन अभी इसके आधे आए हैं। वहाँ भाई वो है सबसे टॉप पे, हम त्रिमूर्ति आप लोग को वीडियो को जरा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग कितना कष्ट कर रहे हैं भाइयों, प्यार बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़िएगा। वीडियो अच्छा लगा और भी आगे की सफर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक कमेंट और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराएं। तो चलते हैं ऊपर, लेट्स गो। फाइनली सबसे ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह नजारा है, इनका कह रहा कि आप ईटा कैसा आया, तो अगर किन्हीं को पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये महाराज है जो बार बार बोल रहे फोटो 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 क्लिक करिए, देखिए जैसे तैयार हो चुकी है, सबर करो रुको जरा। तो भाई साहब पहाड़ घूमने के बाद वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक हल्का सा बस्ती में है जो कि हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा। और चलते इसके अंदर, ये है हमारा दुबार इनका, और चलते इसके अंदर, ये इसका अंदर का कुछ इस तरह नज़ारा है। ये मंदिर काफी सही से बना हुआ है, अभी फिलहाल बंद है क्योंकि पता कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं, फॉरेनर, क्योंकि ये सब फॉरेनर लोगों के लिए ही है, फॉरेनर लोग ही बनाए हैं। और ये बुद्ध भगवान का मूर्ति जो कि पहाड़ों पर से यही दिख रहा था। और चलते अंदर, कुछ इस तरह दिखता है ये मंदिर, और अंदर चलते हैं भाई साहब, काफ़ी डेवलप कर चुका है। और इधर शायद रेसिडेंशियल है, यहाँ पे अंदर जाना मना है, नहीं नहीं रेसिडेंशियल है, मेंटेनेंस चालू है भाई साहब। और ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, काफ़ी सही लग रहा भाई, शांति। और ये साइड रेसिडेंशियल भी है भाई, कुछ लोग रहते हैं। फिर से ये यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था किया गया है, सारा चीज व्यवस्था किया गया भाई, काफी सही भी है भाई, देख रहे हो बहुत अच्छा। और इसके अंदर एक पेड़ है, मेरा बैर का पेड़, और बैठने के लिए पेड़ का आकार बना हुआ है जो कि सीमेंट के बना हुआ है। ये दोनों महारथी
पहाड़ पे चढ़ के थकने के बैठे। ये जो प्लेस है गया से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पे है, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी फाइनली बेस्ट ऑफ लक, यही पहाड़ उस पहाड़ से कनेक्ट है।